पिछले वीडियो पे देखा हुआ था मैंने फिस अनबॉक्सिंग फिसेस की प्राइस और चुनावी ऑफर दिखाया हुआ था, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को स्पेशली नहीं दिखाई थी। जैसे कि मोनो एंजल एक ऐसी मछली जो कि ब्रैकिस वाटर की एक्वेरियम की फिस है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ब्रैकिस वाटर कौन सा? ब्रैकिस वाटर ऐसा वाटर होता है जो कि थोड़ा सा समुद्री होता है, थोड़ा सा फ्रेश होता है। कुछ इस तरीके के पानी की ये मछलियाँ होती हैं जो कि थोड़ा सा इनको समुद्री पानी भी चाहिए होता है, थोड़ा सा फ्रेश, मतलब एकदम फिर ना मरीन वाटर की मछलियाँ होती हैं ना ये फ्रेश वाटर की मछलियाँ होती हैं, लेकिन इनको मरीन साल्ट चाहिए ही होता है। तो मेरे पास ये टैंक रखा हुआ है, इस टैंक को मैं खाली करके बनाऊँगा मोनो एंजल फिश के लिए टैंक। और अभी जो इस पानी में फिशेस आई हुई थी उसी पानी पर मछलियाँ ऑलरेडी रखी हुई हैं, और अब मैं इनको इस टब से निकाल के इस टैंक में, लेकिन इससे पहले मुझे बनाना पड़ेगा इसका पानी, और ये पूरा पानी चेंज करके इसमें ब्रैकिस वाटर पानी में डालूंगा। उसके लिए मैं टैंक डालूंगा, इसमें जो लिली ग्रामी कुछ एंजल फिशेस पड़ी हुई हैं उनको मैं डाल दूंगा इस पर। आप लोग देख सकते हैं ये नेचुरल एक्वेरियम है, इस पर बहुत ही बढ़िया तरीके से रहेंगी। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास रेड सी का मरीन साल्ट है और इसे ही मैं यूज़ करूँगा अपने इस टैंक में। टैंक को खाली कर दिया, 100 पीस निकाल दिए हैं और इस पर मैंने लगा दी पीछे इधर लावा रॉक्स हैं, कुछ नेचुरल रॉक हैं पहले से ही डले हुए थे, और ब्लैक सैंड है। अब बनाते हैं, यूज़ करते हैं सॉल्ट को। आप लोग सोच रहे होंगे कितना साल्ट लगेगा, कितने लीटर पानी में? 10 लीटर पानी में 100 ग्राम साल्ट लगेगा रेत साल्ट, और ये लगभग 25 लीटर का है तो 250 ग्राम साल्ट लगेगा इस पर। अभी मैं क्या करूँगा, इस टब को भी खाली कर लेते हैं और इसमें ऑलरेडी साल्ट वाला पानी है। ये मैं ओपन करने जा रहा हूँ रेड सी कंपनी का साल्ट, और आप लोग देखिए कैसा है, इतना साल्ट 4 kg है। ये मेज़र करने के लिए मैंने रखा हुआ है और ये कटोरी पे मैं निकालूँगा। ग्राम 200 ग्राम चाहिए अपन को। तो 28 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब बनाते हैं पानी। सबसे पहले इसमें पावर फिल्टर लगाएंगे, या वेव मेकर भी लगा सकते हैं। अब इसमें डाल देते हैं पानी, याद रहे पहले पानी डाल दें फिल्टर चला दें, उसके बाद ही नमक को मेल्ट करना है इस पर। पानी ऐसे घूमना चाहिए, ये पानी ऐसे ऐसे घूमने लगे उस टाइम पे नमक डालना है। ये होता है एकदम से सही तरीका नमक डालने का। इससे नमक ज़मीन पे बैठेगा नहीं मतलब, और ये काफ़ी जल्दी घुल जाएगा। इसे करीब आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही। इस पर आप लोग देख सकते हैं पूरा पानी मिला दिया है, डाल दिया है जो मैंने ब्रैकिस वाटर का पानी बनाया था इसमें, लेकिन मैंने पावर फिल्टर लगा दिया। पावर फिल्टर की जो एयर वाली पाइप है वो बाहर गड़े हुए, सिर्फ 15 वाट का पावर फिल्टर लगा हुआ है, 18 इंच टैंक की लंबाई है, और ये पानी इतनी तेज़ी के साथ ऊपर फेंक रहा है इस वाटर के जो थिकनेस है वो चेंज होने की वजह से, कि आप लोग इसके बबल्स देख सकते हैं ऐसे आ रहे हैं एकदम पूरा यहाँ तक, मतलब 18 इंच तक तो आ ही रहे हैं, उससे आगे भी जाने के लिए सोच रहे हैं कि अगर जगह होती 2 फिट तक तो आई थिंक ये जाते। और ये पूरे पूरे ध्यान से देखिए ऊपर तरफ ऐसे बूंदी मार रहे हैं, और ये लाइट और चारों तरफ फैल रहे हैं, इस वजह से मैं थर्माकोल अभी लगाया हूँ। लेकिन अब इसका सोल्यूशन मैंने बहुत देर से सोच रहा था कि करना क्या है, क्योंकि नॉर्मल आप लोग पावर फिल्टर में देख सकते हैं इतनी ज़्यादा माइनर बबल्स नहीं निकलते, और वो निकलते भी तुरंत ऊपर चले जाते हैं, लेकिन इसके बबल्स ऊपर नहीं जाके पूरे के पूरे पानी में एकदम क्लाउडी हो रहे, बहुत बारीक बारीक पूरा एक्वेरियम में एकदम धुआं धुआं से हो गया। और इसका पावर फिल्टर का फोर्स भी बहुत तेज़ हो गया, ऐसे लग रहा है ऐसे 35 वाट का पावर फिल्टर चल रहा हो। इसके लिए मैं भी सबसे पहले क्या करूँगा, इसका जो एयर वाला सिस्टम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि उसकी वजह से इसका पूरा पानी उड़ सकता है। इसकी पाइप को भी मैं अंदर डाल देता हूँ टेम्परेली, फिर देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि फ़िल्टर तो चाहिए ही पानी साफ़ करने के लिए, और या तो फिर इसमें हैंग ऑन फिल्टर यूज़ करें और एक हल्की सी एयर पंप अलग से यूज़ करें, वही सही रहेगा, लेकिन पानी साफ़ करना भी तो ज़रूरी है। अब देखते हैं इसको 24 आवर्स बाद।
मैंने टैंक में शिफ्ट कर दिया था, पावर फिल्टर लगा दिया था, मैं पावर फिल्टर की एयर भी बंद कर दी क्योंकि उसके बहुत भयानक झाग निकल रहा था। इसके साथ में उसके बगल में मैंने एक सिरेमिक रिंग की बैग रख दिया था, उसमें सिरेमिक रिंग भर के, क्योंकि वाटर वहाँ से मूव हो रहा था, पावर फिल्टर खींचता है, तो उसके साथ में सिरेमिक रिंग भी, मुझे लगा से होते हुए पानी जाएगा तो ये पानी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसमें एक्टिवेटेड कार्बन नहीं डाल सकते बिकॉज वो काम नहीं करेगा, उससे पानी ख़राब भी हो सकता है। और फ्रेश वाटर की इस पर मेडिसिन भी नहीं यूज़ की जाती जैसे कि एंटी क्लोरिन वगैरह और कुछ भी। अब इस पर अपन लोग क्या करते हैं, मैं एक नई टेक्नोलॉजी लगाने वाला हूँ इस फिल्ट्रेशन सिस्टम पे। आप लोग भी देखिए कि कैसे मैं ब्रैकिस वाटर का एक बेहतरीन फिल्टर बना रहा हूँ। सबसे पहले इसका पावर फिल्टर को ऑफ करते हैं और सिरेमिक रिंग के बैग को भी निकालते हैं। ये पानी देखें कहीं भी इधर उधर पड़े ना, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि ऐसा होता है सैलेंटी इस पर इतनी ज़्यादा होती है कि उड़ता ही नहीं है पानी। अब इस पर मैं लगाने वाला हूँ, एक नया आविष्कार करने वाला हूँ। सबसे पहले इसको खोलेंगे, इसे निकाल देंगे, इसे भी खोल देंगे। अब इस सिरेमिक रिंग को मैं डाल दूंगा इसमें, कितनी जाएगी ये भी देखना है कि इसका पावर फिल्टर अफेक्ट लग जाए। क्या है, बाहर तरफ अगर सिरेमिक रिंग रहती है तो डायरेक्ट इसमें सिरेमिक रिंग में जो अमोनिया है, बड़े बड़े कचड़े हैं, वो फंस जाते हैं, सिरेमिक रिंग जल्दी ही ख़राब हो जाएगी। इसकी वजह से जब सिरेमिक रिंग से पानी गुजरेगा वो उसके पहले एक जो बड़े कचड़े को खींचने वाला प्रोडक्ट होगा वो अलग होगा, उसको मैं दिखाता हूँ वो क्या चीज़ है। अब ये मैं जो टॉप फिल्टर का स्पंज होता है वो सम में भी काम देता है, उसे लेते हैं और इसको इस पर लपेट देंगे कुछ इस तरह, और जितने में आएगा इतने में इसे कट मारूँगा। और इसको यूँ एक रस्सी से बांध देंगे। इसमें कोई रबड़ लगाने की मत सोचिए क्योंकि वो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक नुकसानदायक भी होती है मशीन के लिए। आप लोग देख सकते हैं ये अभी नॉर्मल फिल्टर से, पावर फिल्टर से सुपर पावर फिल्टर बन चुका है। अब इससे बड़ा कचरा भी आएगा, छोटा भी आएगा, और एक छोटे ब्रैकिस वाटर एक्वेरियम या मरीन वाटर एक्वेरियम में भी कुछ जुगाड़ से ऐसे किया जा सकता है। अब इसको यहाँ पे यूँ लगाते हैं, ये एक अलग ही मॉडल बन गया है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। एयर इसकी बंद कर देते हैं, एयर की ज़रूरत इस पर नहीं है। अब देखते हैं इसको 24 आवर्स बाद। आज सेकंड डे है और आप लोग टैंक की कंडीशन और क्वालिटी देख सकते हैं, और उम्मीद करूंगा आप लोगों को आज फिशेस भी बढ़िया दिखेंगे क्योंकि वाटर क्वालिटी भी एकदम क्लियर हो चुकी है, फिल्टर भी बेहतरीन काम कर रहा है, एयर बंद ही करनी पड़ी थी और फिशेस भी काफ़ी बेहतरीन महसूस कर रही हैं। उनके कलर वगैरह भी कल आप लोग देखे थे फेड हो गए थे, लेकिन आज एकदम कलर इसके बहुत ही बेहतरीन दिख रहे हैं, काफ़ी एक्टिव हुई हैं फिशेस, बहुत ही बेहतरीन। पानी अभी इतना ज़्यादा साफ़ नहीं हो, बट हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा बट होगा ही। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी फुर्तीली हो चुकी हैं, स्कूलिंग भी कर रही हैं, साथ साथ ही रहती हैं सबकी सब। ये देखें 6 फिशेस हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल जाएंगे, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करेंगे। साथ में मेरे चैनल पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।